नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान शनिवार को भी वृंदावन में जारी रहा। भारी पुलिस बल के साथ दोपहर लगभग 2 बजे ये अभियान अंबेडकर पार्क से शुरू होकर मिर्जा वाली धर्मशाला जयपुर मंदिर होते हुए अटल्ला चुंगी तक चलाया गया। नगर निगम के जेसीबी ने सड़क पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया तो वहीं नाली के ऊपर रखे खोखे और पक्के निर्माण को ध्वस्त कराया। इस कार्रवाई के दौरान एक बार फिर लोगों ने नगर निगम पर पक्षपात का आरोप लगाया। अंबेडकर पार्क के समीप जहां नाले के बराबर में दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया गया, वहीं आगे चलकर जयपुर मंदिर के सामने सड़क किनारे रखे खोखे तोड़े गए, वहीं सड़क पर लगे बोर्ड भी उखाड़ दिए गए। इधर गणेश टेंट हाउस को स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया गया तो वहीं एक अन्य टेंट हाउस की दुकान के आगे किया गया अतिक्रमण जेसीबी ने हटाया। इस बीच एक निगम कर्मी ने अपने चहेते के खोखे को न हटाने की सिफारिश की, लेकिन कर अधीक्षक ने सिफारिश को दरकिनार कर कार्यवाही करते हुए खोखे को जब्त कर ट्रैक्टर में लदवा दिया। आगे बढ़ते हुए अटल्ला चुंगी के समीप एक आश्रम द्वारा नाली पर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी ने ध्वस्त कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर रखे ओरिएंटल बैंक के जनरेटर को स्वयं हटाने के लिए समय दिया गया। कुल मिलाकर आज का दिन भी कुछ कम हंगामेदार नहीं रहा। इस संबंध में कर अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। नगर निगम प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 1 मई से चालू की गई थी, जो कि 8 मई तक निरंतर चलेगी। इसमें हम लोग पुलिस प्रशासन के सहयोग से आज अंबेडकर पार्क से लेकर अटल्ला चुंगी चौराहे तक अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जो भी रास्ते में अवैध खोखे, अवैध चबूतरे, अवैध सामान मिल रहा, उसको हम लोग पुलिस के सहयोग से जब्ती करने की कार्रवाई और तोड़ने की कार्रवाई करके हटा रहे हैं। कब तक चलेगी ये कार्रवाई? ये हमारा अभी तक 8 तारीख तक का प्रोग्राम है SSP साहब और नगर आयुक्त महोदय के आदेश के क्रम में, तो 8 तारीख तक अभी हम लोग चलाएंगे। उसके बाद फिर अलग डेट लग के अलग अभियान की तिथि तय हो जाएगी, तब आपको अवगत कराएंगे। जिन लोगों को समय दिया गया है उसके बाद में जिन लोगों को अवैध अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको हटाया जाएगा। नाउ The RCMC Group is coming up with an educational institution, elite new generation international school at Mathura. This institution will be known international facilities with high academic standards. The group is committed for its quality management and will regularly strive to touch hearts and shape life of the people.